दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप Redmi Note 10s मोबाइल में डाटा स्पीड इंडिकेटर को ऑन कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो ऊपर मेरे स्टेटस बार में यहाँ पर जो है डाटा स्पीड जितनी भी आ रही है वहाँ पर शो हो रही है, तो आप भी यहाँ पर इसको इनेबल कर सकते हो। कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको दोस्तों अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जैसे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का, यहाँ पर देख पा रहे हो नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे जाना है स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटस बार का, तो सिंपली आपको स्टेटस बार पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ मैंने जो है नोटिफिकेशन जो है यानी शो कनेक्शन स्पीड जो दिख रहा है इसको मैंने इनेबल कर रखा है, आपके में ये डिसेबल होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो शो कनेक्शन स्पीड दिख रहा है इसको इनेबल कर देना है, और जैसे ही इनेबल कर दोगे तो आपका स्पीड जो है ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पर जो है अपने नेट स्पीड इंडिकेटर को शो करवा सकते हो।